गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2022। डॉलर एसेट, स्टर्लिंग स्लम्स ऑन लोअर रेट एक्सपेक्टेशंस, ब्लीक आउटलुक। तो क्या हुआ है कि डॉलर लुक सेट टू पोस्ट इट्स बेस्ट वीक इन ओवर अ मंथ ऑन फ्राइडे ऑन एक्सपेक्टेशंस दैट यूएस रेट कुड पीक हायर व्हाइल स्टर्लिंग वाज ऑन द ropes as investors revise their rate projections after a shift in tone from Bank of England. BOE rate decisions के बाद जो shift in the tone from the BOE, so उसके कारण GBP काफी soft हो चुका है। GBP अभी है 1.1180, ये आपका 1.16 तक हाई मारा था ऑन 27th of October। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशंस ये था, क्या ये सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन हेल्दी अप मूव। कल हमने बीओई रेट डिसीजंस में हमने ये देखा कि ऑल्दो रेट हाइक हुआ है बट उन लोगों का जो इकोनॉमी के ऊपर जो टोन है काफी चेंज हो चुका है एंड उसी के कारण जीबीपी में काफी फॉल आया है। 1.14 लेवल से ये 1.117080 तक आ चुका है। अभी हमें जो नेक्स्ट लेवल देखना है, सो पहला वाला जो हमारा एंटिसिपेशन था वहां पे ये निगेट किया, सो हम उसको हटा देते हैं। अभी हमें देखना है कि नेक्स्ट और द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट ये जो लो अभी बनाने वाला है, स्पेशली आज एनएपी डेटा है, उसके बाद हमें एक्टिविटी देखना है। ये एक लो, क्या ये करंट ये जो लो होने वाला है ये क्या प्रीवियस लो से ऊपर है या नहीं। फर्स्ट अगर ये लो प्रीवियस लो के नीचे आ जाता है तो हमारा कैलकुलेशंस पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा एंड वी विल हैव टू reconsider the overall price actions from new perspective. एक दूसरा वाला ये है कि आप RSI देखोगे कि आज का NFP डेटा के बाद at any cost, पहला वाला तो है कि ये लो के नीचे जाना नहीं चाहिए, प्रीवियस लो के नीचे। दूसरा वाला ये RSI 40 के नीचे फॉल नहीं, शार्प फॉल नहीं करना चाहिए, तभी जाके हम कुछ एक अपवर्ड मोमेंटम आने वाले हफ्तों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अभी है 112.90 पे। सो आज का इंपॉर्टेंट एनएफपी डेटा इसीलिए है कि दिस विल डिसाइड डॉलर इंडेक्स क्या प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा या यहां से फॉल बैक करेगा। अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पहले था, अभी रेजिस्टेंस क्या बन रहा है या नहीं, रोल रिवर्सल्स, रोल रिवर्सल में क्या ये आज एनएफपी डेटा के बाद ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा, रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, रोल रिवर्सल होने वाला है या नहीं वो हमें देखना है। ये यहाँ पे आपका अगर हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स डाल रहे तो ये जो रिजेक्शन एरिया मीन्स अभी का करंट एरिया है ये 61.8% रिट्रेसमेंट पे है फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। बेसिकली दिस इज ए मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेवल विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एरियाज। सो एनएफपी डेटा एंड ये जो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ऑफ डॉलर इंडेक्स है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे डॉलर इंडेक्स आने का बहुत ज्यादा संभावना है आफ्टर एनएफपी डेटा। अभी डॉलर रुपी में आते हैं। डॉलर रुपी में कल गैप अप ओपन हुआ था 82.90 पे, ऊपर ड्यूरिंग द डे 97.98 तक गया था एंड क्लोज दिया है आपका 82.72। हालांकि हमारा इंडियन मार्केट में इसका क्लोजिंग हायर था मीन्स अप टू 330।
यहाँ पर भी हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, कल का देखोगे या लास्ट वीक का देखोगे, ये जो डॉलर रुपी एक क्रिटिकल एरिया पे बैठे हुए हैं। क्या चीज, कौन सा कंपोनेंट? आरएसआई कंपोनेंट। ये जो आरएसआई कंपोनेंट है, इट इज सिटिंग एट 60। पहले ये आप देखोगे 60 के ऊपर 82 एरिया तक हाई मारा था, अबोव 60 में सुपर बुलिश रेंज में था, एंड उसके बाद नीचे आया अराउंड 50 तक लो मार के फिर ये 60 पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। अभी आज का एनएफपी डेटा के बाद एक मेक और ब्रेक टाइप का सिचुएशंस हो सकता है। क्या है ये, अगर रेजिस्टेंस ले लेगा देन हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा ये होगा आपका फिर 81.90, एंड उसको तोड़ेगा तो हमारा फिर 81.20 टारगेट होने वाला है। ये एक साइड ऑफ द एनालिसिस है। दूसरा साइड ऑफ द एनालिसिस क्या है कि ये 60 के ऊपर क्लोज दे देगा, एंड सब्सिक्वेंटली ये जो आरएसआई का एक रेड लाइन है, ये है मूविंग एवरेज, 45 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी क्लोज दे देगा तो रूपी को भगवान बचाए, यानी और भी ज्यादा ऊपर की तरफ, मीन्स फर्दर डेप्रिशिएट करने वाला है डॉलर रुपी। सो डॉलर रुपी के साथ हम सीएनएच भी देख लेते हैं। सीएनएच में भी खतरनाक है, बिकॉज 7.3252 में अभी है, एंड ये मंथली क्लोज जो हम एनालिसिस कर रहे थे, मंथली क्लोज भी ये 7.32 एरिया में दिया है। एक कप पैटर्न, कप पैटर्न का जो टारगेट आपका है वो 8.10 एंड अबोव है। सो सिंस इट इज अ मंथली कैंडल, सो ये इमीडिएटली 1-2-3 हफ्ते में जाने वाला नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 3-4 मंथ्स, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, तो वहां पे जाने का प्रोबेबिलिटीज है। आप टाइमिंग्स के बारे में मैं आपको, मीन्स कितना टाइम लगेगा यहाँ पे जाने के लिए, अगर जाएगा तो जाने के लिए, उसका मेजरमेंट एज ऑफ नाउ मेरे हाथ में है नहीं, मीन्स मेरे को अभी तक उसका स्टडी करने का मौका नहीं मिला कि कितना टाइम में ये यहाँ पे जा सकता है। मेरा प्रयास है उस टाइम एनालिसिस भी करने के लिए जहाँ पे हम एक कैलकुलेशन कर पाएंगे कि अगर इसको 8.1012 लेवल्स में जाना है तो कितने टाइम फ्रेम में जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू एनालाइज कि कितने महीनों में ये जाएगा, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटीज है। बट इन द मीन टाइम हमें पीबीओसी का स्टैंड भी रेगुलर बेसिस में देखना है। सो यहाँ पे सीएनएच में भी इज नॉट गिविंग ए गुड सिग्नल, जो हमारा रूपी के लिए अच्छा नहीं है। जीबीपी डॉलर आफ्टर बीओई सेल ऑफ हो चुका है, बिकॉज आपका जो बीओई का टोन है एंड ए वो मीन्स फॉर द इकोनॉमी काफी चेंज हो चुका है। जीबीपी आइनर में भी सिमिलरली आप देखोगे यहाँ के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग है सपोर्ट अराउंड सेंटर बैंड, उसके बाद ऊपर का हम मीन्स ऐसा जाएगा तो हम देखने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, ये सेंटर बैंड के नीचे आ चुका है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो करंट लो है, वेदर इट इज हेयर और लिटिल बिट मोर, एट एनी केस ये जो प्रीवियस लो के नीचे जाना नहीं चाहिए आफ्टर एनएफपी या आने वाले हफ्तों में। अगर जाएगा तो हमारा जो जितना भी कैलकुलेशन है पूरा गड़बड़ा जाएगा। यूरो डॉलर पे इस यहाँ पर भी काफी सेल ऑफ देखा गया है, एंड यहाँ पर भी सिमिलर लाइन ऑफ एनालिसिस, करेंटली एक लो बनाने वाला है, वेदर इट इज द लो इज हेयर और फर्दर बिलो वो हमें देखना है टाइम के। ये जो लो बनाने वाला है ये लो प्रीवियस लो को तोड़ना नहीं चाहिए। सिमिलरली यूरो आइनर में भी सेम एनालिसिस, अभी जो एक लो बनाने वाला है ये लो प्रीवियस लो को तोड़ना नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके फिर क्या अपवर्ड मोमेंटम बना रहा है या नहीं हमें ये देखना पड़ेगा। डॉलर येन में आपका देखो कि एज ऑफ नाउ ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रेजिस्ट कर रहा है। आज एनएफपी डेटा इज वेरी क्रूशियल, उसके बाद ही इसका एक फेट डिसाइड होगा कि
ये फर्दर ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है। ये नाइनर में भी कंसोलिडेशन जारी है 0.57 एंड 0.55 के बीच में। डॉलर कैंडी में अच्छा स्ट्रेंथ दिखा गया है। वाई स्ट्रेंथ आप प्रीवियसली देखोगे, ये लो मारने के बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पिछले ये जो 3 दिन का था, 1 नवंबर आपका 31 अक्टूबर, 1 एंड 2 नवंबर, ये सेंटर बैंड को रेजिस्ट कर रहा था। कल ये सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज दे चुका है, हालांकि अपर एंड में काफी प्राइस रिजेक्शन से, लेकिन सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज देना मीन्स थोड़ा सा जो सेलर है थोड़ा लेस एग्रेसिव हुआ है। अभी एज ऑफ नाउ ये जो बोलिंजर बैंड है ये हॉरिजॉन्टल है, अपर बैंड एंड लोअर बैंड, दैट बीइंग द केस फॉर टाइमिंग डॉलर कैंडी ये 1.39 एंड 1.35 के बीच में ही कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मूव कर सकता है। ऑसी डॉलर में लो बना चुका है, अभी हमें ये क्रूशियल देखना है ये करेक्ट लेवल है। आरएसआई देखो कि ये 60 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। इफ इट सक्सेस इन टेकिंग सपोर्ट हियर तो इट विल बिल्ड अप। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से जूम करके ऊपर जाएगा, लेकिन कंसोलिडेट करेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद रेंज शिफ्ट का हिसाब से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये रेंज शिफ्ट कब कंफर्म होगा, जब ये हाई को तोड़ेगा 0.65। यूके ऑयल थोड़ा सा कल सेलर्स हमने देखे हैं, अभी प्राइस का जो एक्शन है ये फंसा हुआ है 0.99 एंड 0.8850 के बीच में, इसके अंदर में ही प्राइस एक्शन हो रहा है। थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे वेदर इट इज ब्रेकिंग हायर और लोअर, बट वी नीड टू क्लोजली मॉनिटर द ईरान सऊदी अरबिया का जो क्लैश है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा नजर डालना है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी कल अच्छा खासा एक अप मूव दिया, ऊपर में आपका 4.22 तक गया था एंड फाइनली क्लोज्ड 4.149, अभी है 4.15। तो आज फिर क्रूशियल है एनएपी डेटा, उसके ऊपर ही फर्दर एफओएमसी का जो डिसीशंस था, फेड चेयर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके साथ ये आपका एनएपी डेटा को क्लब करके फ्यूचर प्रोजेक्शंस किया जाएगा। दैट इज व्हाई आज का एनएपी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर एनएपीज। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इन सच ए केस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड ऑल्सो दोज गाइज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।